खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव 2020, पंचायत चुनाव के पहले फेज का मतदान कल होने वाला है, जिसको लेकर काउंटडाउन शुरू। मतदान के बाद शुरू होगी काउंटिंग, ये भी अहम जानकारी है। मतदान की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी वैसे ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और प्रथम फेज में 93 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और साथ ही साथ 17,242 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए मैदान में हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा ईवीएम से होंगे 87 पंचायत समितियों में चुनाव और 31 पर्यवेक्षकों की रहेगी चुनावी प्रक्रिया पर पैनी नजर। साथ ही 87 पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 93,20,684 मतदाता हैं और साथ ही 48,49,232 पुरुष हैं और 44,71,405 महिलाएं वोटर्स हैं और साथ ही साथ 47 अन्य मतदाता शामिल हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कल पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है और जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी वैसे ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर गांव की सरकार को चुन लिया जाएगा। पहले फेज के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कल 17 तारीख यानी कि पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू हो जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ डॉक्टर ऋतुराज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं सीधे चलती हूँ। ऋतुराज, कल यानी कि 17 तारीख वो तारीख है जब पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है, सुगबुगाहट हलचल हम भी लगातार देख पा रहे हैं, आप बताइए क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर, कहाँ कहाँ पर वोटिंग होनी है और कौन कौन से वो जिले हैं जहाँ पर वोटिंग नहीं होगी? देखिए, बिगुल बज चुका है और चुनाव प्रचार का शोर जैसे कि कल थम चुका था और अब पूरी तरह निगाहें हैं कल की वोटिंग पर, कल की वोटिंग किस तरह से रहती है। और चूंकि यह पहली बार ऐसा मौका है कि सभी पंचायतों में जो सरपंच का चुनाव है वो ईवीएम से हो रहा है और इसके लिए पूरी व्यवस्था निर्वाचन विभाग ने कर रखी है। ईवीएम से वोटिंग होगी, 11,000 से ज़्यादा ईवीएम का इस्तेमाल होगा, इसके साथ साथ ही 30% ईवीएम रिजर्व में रखी गई हैं। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सही तैयारी कर रखी है और सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी है। पर्यवेक्षक पहले ही पहुंच चुके हैं, हमने अभी देखा पिछले 24 घंटे में पर्यवेक्षकों ने अपनी भूमिका निभाई थी। जो शराब के जो अवैध शराब का लेन देन है, अवैध राशि का लेन देन है या किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं उसमें उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट बना के पूरी जब चुनाव सम्पन्न होगा तब दी जाएगी। जैसा कि आपने जो बताया कि प्रथम चरण में 93 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने वोटिंग करेंगे, 17,242 उम्मीदवार सरपंच चुनाव के लिए है और 31 पर्यवेक्षक इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह से भी मतदाता को गलत तरीके से प्रभावित करके अपने पक्ष में वोटिंग डलवाने का काम तो नहीं किया जा रहा। ख़ास तौर पर हमने गाँवों में ये देखा है कि अवैध शराब पिलाकर या अन्य तरह के प्रलोभन देकर ये कोशिश की जा रही है कि एक पक्ष विशेष में वोटिंग की जाए। हालांकि ये जो चुनाव होते हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं और दलगत राजनीति का इसमें सीधे जुड़ाव नहीं होता, लेकिन चूंकि ज़मीनी स्तर पर कई तरह के फैक्टर काम करते हैं और उन फैक्टर का और उन पहलुओं का अपने अपने हिसाब से दलगत राजनीति का लेना देना होता है, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि ये पंचायत जो चुनाव हैं इससे जो तस्वीर है वो आगे की सियासत की वो तय होगी और किस तरह से जो मौजूदा सरकार है उसकी एक भूमिका इसमें नज़र आएगी। बहरहाल अगर तैयारियों की और बात करें तो ईवीएम की जो हर जो प्रथम स्तरीय चेकिंग और अन्य तरह की जो चेकिंग होती है वो पहले ही कर ली गई है। कल जब वोटिंग होगी सुबह 8 बजे से उसमें मॉक पोल होगा पहले आधे घंटे के लिए और मॉक पोल के दौरान जो हर अगर हम कहें कि मतदान के राज, ये तो प्रशासन की तैयारी, ये तो प्रशासन की तैयारी है लेकिन ग्रामीणों की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और जैसे कि आप भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपने भी तस्वीरें हम तक पहुंचाई, तो ग्रामीणों में भी उत्साह खासतौर पर देखा जा रहा है गाँव की सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। अब आगे बढ़ते